हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल में हमने रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट का न्यूमेरिकल्स आपको बताया था। पहले पार्ट के न्यूमेरिकल में आपने 10 क्वेश्चन किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। देखो, रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना कि आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बीच में जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है ओनली एक्सप्लेनेशन, वो मैं नहीं करा रहा हूँ, ओनली न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चन भी अपन नहीं करेंगे जिसमें साइन कॉस टेन के जो वैल्यूज़ हैं, जैसे 36 डिग्री आ गया, 25.9 डिग्री आ गया, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का ज़रूरत नहीं है, वो लेंदी है, बस उसमें कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रे ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए हमको जिन चीज़ों का ज़रूरत है वो मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा। सबसे पहले, यदि आपने इसका थ्योरी पार्ट का वीडियो नहीं देखा है या आपने उसको अच्छे से तैयार नहीं किया है तो वो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के पहले आपके पहले दो जिम्मेदारी है, पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और दूसरा उसमें जितने भी फार्मूले यूज़ हुए हैं वो आपको याद होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल आसान लगता है क्योंकि पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर होता है। चलिए, इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, आपको हमारी कोचिंग की ओर से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है, आप लोग को इसका इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। नीट 2021 के प्रिपरेशन के लिए कुछ चीज़ें थी जो यूट्यूब के माध्यम से हम टेस्ट वगैरह नहीं ले पा रहे थे, तो हमने बहुत नॉमिनल फी पर एक कोर्स लॉन्च किया है। ये देखिए, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये स्टार्ट होगा 5 अप्रैल से। कोर्स का प्राइस है ओनली 999 रुपीज़। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये हम जो कोर्स ले के आए हैं, नीट 2021 कंप्लीट कोर्स 2 मंथ के लिए, 30 टॉपिक्स कवर्ड इन 60 डेज। 60 डेज में हम रैपिड आपको रिवीजन कराएंगे, एक तरह से एक क्रेश कोर्स है जिसमें हम 2 महीने में नीट के टारगेट को लेके तैयारी कराएंगे। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, लाइव डाउट आपके जो भी स्टडी के बाद जो डाउट्स आएगा उसका हम लाइव क्लियर करेंगे उसे। इसके बाद हमारा वॉइस चैट होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे ऐप का कि आप हमारे से लाइव क्लास में वॉइस चैटिंग कर सकते हैं, नॉट ओनली मैसेज, वॉइस चैटिंग भी आप कर सकते हैं, बातचीत करके भी हमसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, एक तरह से ऑफलाइन की कल तरह हो जाएगा। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, जिस टाइप के क्वेश्चन नीट में अभी तक पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। मॉक टेस्ट एंड मेगा टेस्ट, इसके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे और कई चैप्टर को कंबाइन करके भी मेगा टेस्ट होगा। एनालिसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट लेने के बाद हम उसके क्वेश्चन पर एनालिसिस करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी नियर अबाउट 20 ईयर के आसपास जितने क्वेश्चन आए हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अब आपको इसमें जाना कैसे, बहुत से स्टूडेंट्स लोग की क्वेरी थी कि सर कैसे करें, इसमें कैसे इनरोल करें। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम, आप जब आप ओपन करेंगे ऐप तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करिए जिस मोबाइल से आपको रजिस्टर कराना है, फिर आपके उस नंबर पर एक OTP आएगा, तो आप OTP इंटर करिए। OTP इंटर करने के बाद देखिए, आपको कंटिन्यूस 4th स्टेट में क्या करना है, अकाउंट सेलेक्ट करना है कि स्टूडेंट्स अकाउंट से आपको करना है कि पेरेंट्स के अकाउंट से आपको सेलेक्ट करना है, इनरोल्ड होना है, इसमें से आप जो अकाउंट चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी आपकी, और अपना मोबाइल नंबर, और ये आपको ऐप में रजिस्टर कर देना है। इतना करने के बाद देखिए, इसके बाद जब ये आपका डिटेल या पेस्ट डिटेल आएगा, उसके नीचे में आपको मिलेगा पे नाउ फॉर 999 रुपीज़। कैसे पे करेंगे, तो पे करने के जैसे आप उसको टच करेंगे तो आपको स्टेट सेलेक्ट करने का, आप किस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं वो आएगा, ठीक है। तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, पे करना है, तो पे करने के लिए आप कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे, कि कार्ड से करेंगे, वैलेट फ़ोन पे से करेंगे, UPI से करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे, इसमें बहुत से ऑप्शन आपको मिलेंगे पे करने के। यहाँ पर आप पे करेंगे तो ये आपका कंप्लीट पे हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और आप बहुत
कम समय में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम समय में हम नीट के बेसिक आपको इस तरह से पढ़ा दें कि अभी 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छा कर पाएँ। उसके बाद कंटिन्यूस हमारे और भी कोर्सेस आते रहेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यूमेरिकल्स। 10 नंबर क्वेश्चन तक मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था, अब हम 11 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये 11 और 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो 11 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद जो मैं बताऊंगा 12 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। तो मैं क्वेश्चन कराने से पहले कुछ 12th क्लास के कॉन्सेप्ट को आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, ताकि मेरे को न्यूमेरिकल्स कराते समय आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए मैं क्वेश्चन कराने से पहले इस पर डिस्कस करूँ। देखिए क्या होता है कि हम जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब हम यूज़ करेंगे तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ये देखो मैं एक रफ डायग्राम स्क्रेच करके आपको समझा रहा हूँ। एक लेंस सामने होता है, आपको पता है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, वो लेंस। इसके बाद बड़ा लेंस होता है, इसको आईपीस लेंस कहते हैं। यहाँ पर मैं डिस्टेंस वगैरह आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि फार्मूला रे ऑप्टिक्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रे ऑप्टिक्स में, कि आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से यूज़ करना है। यदि आप प्लस माइनस में मिस्टेक किए, कौन सी दूरी को धनात्मक लेना है, किसको ऋणात्मक लेना है, पॉजिटिव निगेटिव में आप कन्फ्यूज़ हो गए तो क्वेश्चन सही नहीं आएगा। तो उसको एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ पूरी बातों को, ये पूरे चैप्टर में मेरे को अभी न्यूमेरिकल्स कराते समय काम आएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब यहाँ प्रकाश किरणें आती हैं और जो पहला इमेज बनता है, तो पहला इमेज जो बनता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इसको हम कहते हैं वी ओ। पहली बात ये ध्यान रखना, ये वी ओ कहलाता है या वी नाट, ठीक है, क्योंकि इस लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस है। इसके बाद ध्यान रखोगे ये जो डिस्टेंस है, चूँकि यह पहला इमेज है वह इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, तो यह कहलाता है यू ई। ई मतलब आई पीस लेंस। संकेतों में बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। डिस्टेंस आप समझ गए, ये दोनों, ये डिस्टेंस कहलाता है। इसके सामने जितने डिस्टेंस में वस्तु होता है, इसके सामने जितने डिस्टेंस में वस्तु होता है ये यू होता है, और इस लेंस के लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो इसको यू नाट कहते हैं, क्लियर। इसके बाद इसका जो फाइनल इमेज बनता है, इसका जो फाइनल इमेज बनता है यहाँ, अंतिम प्रतिबिंब, ये जो डिस्टेंस होता है ये यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम वी ई भी कह सकते हैं, माने इस इमेज के लिए या इस लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस। तो ये इसके संकेत जो यूज़ होते हैं, क्लियर। अब देखो आपको पता है चिन्ह परिपाटी कैसे यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये आपतित किरण का डायरेक्शन है। तो जितनी भी दूरियों को आप इसके अपोजिट साइड में लोगे, जैसे इसको लोगे तो माइनस लोगे, लेकिन जैसे वी नाट को लोगे तो प्लस लोगे। देखो रे डायग्राम दिमाग में नहीं है तो आप क्वेश्चन इसका कभी नहीं बना पाओगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जैसे यू नाट को मेरे को लेना है, यहाँ पर मैं एक बार साइन कन्वेंशन यूज़ करके उसको मैं लिख रहा हूँ। देखो इसको निगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट है। यदि मुझे इसको लेना है वी नाट को, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में अपन ले रहे हैं। यदि इस डिस्टेंस को लेना है तो माइनस में लेंगे, इस डिस्टेंस को लेना है तो यहाँ से लेना है, इसको ही माइनस में लेना है। देखिए कितना कन्फ्यूज़न है। तो आप हमेशा ध्यान में रखना, अभी मैं यूज़ करूँगा तो ध्यान में रखना, इसीलिए मैं क्वेश्चन कराने से पहले इसको रिवाइज करा रहा हूँ। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है, ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी, ये दोनों के योग के बराबर होगा। तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल इक्वल टू होता है वी नाट ये, और प्लस यू ई। तो यहाँ पर माइनस में लगाया हूँ तो माइनस नहीं लेना है, क्योंकि दूरी है, इसीलिए हम मार्ड में लिख लेते हैं, मार्ड यू ई। मतलब यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, मार्ड यू ई ये होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, जिसको लेंथ ऑफ पाइप भी कहा जाता है, पाइप की लंबाई कहते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपको ध्यान में रखना है। उसका जो फार्मूले यूज़ होंगे वो फार्मूला तो मैं आपको क्वेश्चन कराते समय बताऊंगा ही। तो इन चीज़ों को जैसे आप क्वेश्चन में जो दिया है, जो गिवन है, उसमें चिन्ह परिपाटी के साथ उसका वैल्यू पुटअप करना है। तो ध्यान रखना, सिर्फ वी नाट को छोड़ के सब निगेटिव होते हैं। ये वी नाट बस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापा जाता है, इस दिशा में, क्यों, आपतित किरण की दिशा, ये रिफरेंस डायरेक्शन ये है। ओके, तो चिन्ह परिपाटी आपको सबको समझ में आ गया, क्योंकि इसके मिस्टेक में फिर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके, चलिए तो ये तो मैं इरेज कर देता हूँ, ये रफ वर्क था मेरा, मैंने समझाने के लिए इसको किया था, अब ये मैं इरेज कर देता हूँ। और इसके बाद फिर हम देखते हैं
क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन से ही आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बहुत स्टैंडर्ड रहता है, और मैं समझता हूँ कि ये दो क्वेश्चन करके आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अच्छा कर लेंगे। और इसको ध्यान से समझिए, देखिए पहले मैं स्टेटमेंट को आपको समझा दूँ और गिवन लिख दूँ, फिर हम बात करेंगे किस तरह से वो बनेगा। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक बोलने से ऑब्जेक्टिव लेंस, ओ लेंस, ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो कॉन्वेक्स लेंस फोकस दूरी के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, उत्तल लेंस है मतलब आपको फोकस दूरी को धनात्मक लेना है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, देखो दोनों का क्या दिया, फोकस दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर का अभिदृश्यक और 6.25 का नेत्रिका लेंस, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं, मतलब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस जिसको मैंने अभी आपको फंडामेंटल में बताया एल कहते हैं, जो वी नॉट प्लस यू के बराबर होता है, वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूर पर रखा जाए, बिंब माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब, तो पहले तो आपको ये पूछ रहा है कि अभिदृश्यक को कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब यू नॉट पूछ रहा है आपको कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें, कि फिर दो कंडीशन पूछा है, दर्शन स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो कि 25 सेंटीमीटर दिया है और अनंत पर बने, और दोनों कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। इतना बेस्ट क्वेश्चन है कि इस अकेले क्वेश्चन को आप यदि अच्छे से कर लिए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्लियर। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन जो दिया है, स्लाइड तो मैं आगे कर करके देखूंगा लेकिन अपने बुक से मैं देख लूंगा इसका क्या क्या गिवन है। लेकिन आप लोग को भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, क्या है बार बार मैं बैक में जाऊँ स्टेटमेंट में तो पढ़ाई का फ्लो डिस्टर्ब होता है, तो आप लोग क्या करो, या तो इसको रफ में नोट कर लिया करो स्टेटमेंट को, इमीडिएट स्क्रीन शॉट ले लो जो भी है, या एनसीईआरटी का बुक आपके पास है तो बुक का स्टेटमेंट आप अपने सामने रखिए। और क्योंकि हर बार हमको स्टेटमेंट पर डिस्कस करना होता है, लंबा लंबा स्टेटमेंट है, क्या क्या गिवन है, देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अभिदृश्यक, मतलब आपको दिया है एफ ओ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ जो कि दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है नेत्रिका का, तो वो हो जाएगा एफ ई इक्वल टू दिया है 6.25 सेंटीमीटर, दोनों लेंसों के बीच की दूरी जिसको मैं एल बताया भी, एल को भी क्या लिखते हैं ये भी लिख लो, वी नॉट प्लस यू ई, वहाँ पर मार लगाने की जरूरत नहीं, मैंने प्लस ही लगा दिया क्योंकि वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, क्लियर। और इसके बाद देखो बस इतना गिवन है, और पहले कंडीशन में हमको जो कंडीशन यूज़ करने के लिए बोला है कि बीम को अभिदिशक से कितनी दूरी पर रखा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, उसका यू का स्थित कंडीशन निकालना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये गिवन तो समझ में आ गया आपको। देखिए पहले वो पूछा है कुछ और गिवन है, ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के, वो भी लिख लेते हैं, ये होता है d एक्चुअल में, और d इक्वल टू माइनस ve, माने ve ही होगा, यहाँ सामने माइनस लिखना नहीं है, ve इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर, इतना गिवन है, ये दिया है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार इंग्लिश में भी स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करना भूल गया, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स लोग जो पढ़ रहे होंगे ये नीचे लिखा हुआ है, वैसे समझ में आ जाता है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ 6.2 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। आप समझ गए, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैं, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड बी एन ऑब्जेक्टिव बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज, फर्स्ट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर एट इन्फिनिटी, सेकंड एट इन्फिनिटी व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस, दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमारा गिवन है, अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं इसको लिस्ट डिस्टेंस के लिए, सपोज जब ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बने, लिस्ट डिस्टेंस पर बने, ए मैंने लिख दिया फार लिस्ट डिस्टेंस,
लिस्ट डिस्टेंस मतलब हिंदी मीडियम में समझ गए, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम, उतना तो आप समझ सकते हैं स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो यहाँ पर हम लेंस फार्मूला लगाते हैं, सिंस अपने को पता है लेंस का फार्मूला, सिंस वन अपॉन एफ, अब ये लिस्ट डिस्टेंस के लिए, और हम लेंस ले रहे हैं क्या आई पीस लेंस के लिए, आई लेंस लिख दिया मैं यहाँ पर, आई लेंस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो आई लेंस के लिए अपन लिखेंगे वन अपॉन एफ ई इक्वल टू वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई, ये इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूला को यूज़ करके हम इसमें इसके वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, वैल्यू पुटअप करेंगे दैट इम्प्लाइज एफ ई का वैल्यू दिया हुआ है क्या, इसको यू ई के लिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो वन अपॉन यू ई इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन वी ई माइनस, इसको इधर ट्रांसफर कर लिए तो वन अपॉन एफ ई, यहाँ से हमको निकालना है यू ई, क्योंकि यू ई निकालेंगे तभी हमको लेंथ ऑफ पाइप से वी ओ निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज वन अपॉन यू ई इक्वल टू वन अपॉन वी ई, वन अपॉन वी का वैल्यू क्या गिवन है, वन अपॉन वी ई अभी लिखे हैं माइनस, एक बार देखता हूँ, माइनस 25, ओके, तो माइनस वन अपॉन 25 और माइनस एफ ई 6.25, क्या है प्लस की माइनस, प्लस ही होगा वो, वन अपॉन 6.25 ये हुआ, दैट इम्प्लाइज वन अपॉन यू ई, इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लें इसको, तो 6.25 इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 25 में डिवाइड होगा तो माइनस वन, और माइनस 625 में 25 डिवाइड करो 625 4 आएगा, है ना 4, ये आ गया 4, तो माइनस वन माइनस 4, आगे इसको हम सॉल्व कर लें तो दैट इम्प्लाइज वन अपॉन यू ई इक्वल माइनस, माइनस क्या हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 5 और ये 1/5, तो माइनस 1/5 देयर फोर यू ई, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें तो माइनस 5, एक वैल्यू ये निकला, यहाँ से हम इसको ये हाईलाइट करके रख देता हूँ, तो यू ई का वैल्यू निकल गया कितना माइनस 5, यू ई माइनस 5। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, यहाँ से हम वी नाट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है वी नाट का वैल्यू, तो वी नाट का वैल्यू निकालना पड़ेगा अपनों। देखो मैग्नीफाइंग पावर जब निकालेंगे, एम का जो फार्मूला होता है माइनस वी नाट अपॉन यू नाट डी अपॉन यू ई, तो उसमें सब चीज़ चाहिए तभी हम आवर्धन क्षमता निकाल सकेंगे, इसलिए वन बाई वन सबके वैल्यू निकालते जा रहे हैं। तो अगेन चूँकि हमको पता है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, हमको अभी क्वेश्चन में पता है कि L का जो वैल्यू था लेंथ ऑफ पाइप, जो कि क्या होता है मैंने बताया आपको वी ओ प्लस यू ई इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर, वी ओ प्लस यू ई, दैट इम्प्लाइज यहाँ से वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस यू ई, और यू ई का वैल्यू हम निकाल के रखें यहाँ पर माइनस 5। तो यहाँ पर चिन्ह सहित नहीं पुट करना है, ध्यान रखना चिन्ह सहित पुट नहीं करना है, क्योंकि लंबाई है इसलिए उसमें अपन मार्ड लिखा था। तो ये एक्चुअल में फार्मूला में क्या होता है मार्ड ऑफ होता है, ऐसा मार्ड लिख ही सकते हो आप, दैट इम्प्लाइज वी नॉट इक्वल टू 15 माइनस इसका वैल्यू है क्या 5, देयर फोर वी नॉट इक्वल टू निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से वी नॉट का वैल्यू निकल गया, एक एक करके जो वैल्यू निकलता जाता है ये मैं हाईलाइट करके आपको इस तरह से बता दिया, ये वी नॉट हो गया। क्लियर, सबसे पहले हमने क्या किया लेंस फार्मूला यूज़ किया और यू ई निकाला, यू ई के हेल्प से देखो कैसे क्वेश्चन में किसके हेल्प से क्या निकलते जाता है, कैसे गिवन दिया हुआ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो अब हम लगाते हैं फार, ये आई पीस लेंस के लिए है, अब इसको हम लगा लेते हैं किसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, अगेन यहीं पर लिख देता हूँ फार ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यदि हम इसमें लेंस फार्मूला यूज़ करें, यही फार्मूला, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एफ ओ इक्वल टू वन अपॉन वी वी नॉट माइनस वन अपॉन यू नॉट। ये देखो क्वेश्चन में हमको एफ नॉट तो दिया हुआ है,
इसके बाद हमने अभी क्या निकाल लिया, वी नॉट निकाल लिया, वी नॉट निकाल लिया तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, यू नॉट निकाल सकते हैं। क्लियर, जैसे यहाँ पर वर्क किया है सेम वर्क वैसे ही करेंगे। तो इस फार्मूला को हम चेंज कर दें आगे। क्वेश्चन लेंदी है, इसमें परेशान मत होना, क्योंकि इसमें बहुत से चीज़ों को एक साथ समझाया गया। इससे एक फ़ायदा आपको ये है कि एक क्वेश्चन से आप बहुत से चीज़ों को निकालना समझ जाएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्लस यही है कि क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन रहते हैं कि आपको सब चीज़ का कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं किसका, यू नॉट का। इसको ट्रांसफ़र कर लें तो 1 अपॉन यू नॉट इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन एफ नॉट। ये कैलकुलेशन को हम कंटिन्यू करें तो ये हो जाएगा देयरफॉर 1 अपॉन यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट, जो हम यहाँ पर निकाल कर रखे हैं 10 सेंटीमीटर, तो आएगा 1 अपॉन 10। क्लियर, और माइनस 1 अपॉन एफ नॉट, एफ नॉट क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2। 1 अपॉन यू नॉट इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 10, तो हो गया 1 माइनस 5। देयरफॉर यू नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा -4/10, जो कि -2/ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये -4/10 जिसको -2/5 लिख सकते हैं, तो 5/2 हो जाएगा, तो -2.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा यू नॉट का वैल्यू। फिर क्या निकालने बोला है, ये जितने वैल्यू निकल रहे हैं इनको मैं रेड कलर से हाईलाइट करके रख रहा हूँ, कन्फ्यूज मत हो ताकि। देखो सब निकालते जा रहे हैं अपन बारी बारी से, क्या निकालें, यू ई निकालें, यू ई के हेल्प से वी नॉट निकालें, वी नॉट से सेल्फ हमने यू नॉट निकाला। ये जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो किसके लिए है, लिस्ट डिस्टेंस के लिए, मतलब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। दो क्वेश्चन पूछा है, एक स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए और दूसरा क्वेश्चन में पूछा है, एक बार क्वेश्चन पर चला आओ देखो, ये सबसे पहले पूछा है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और दूसरे कंडीशन में फिर क्या पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो, जब क्या हो अनंत पर बने, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर बने। तो सेम कैलकुलेशन फिर अपन इन्फिनिटी के लिए करेंगे। तो यहां पर हम आवर्धन क्षमता निकाल देते हैं, फिर इसके बाद देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। हिंदी मीडियम वाले परेशान मत होना, कई बार कई लोग कमेंट्स करते हैं सर थोड़ा हिंदी में भी बता दिया कीजिए, इतना इंग्लिश आपको समझ में आएगा, और बोल रहा हूं आवर्धन क्षमता, तो वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर को आवर्धन क्षमता कहते हैं, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, आप इंग्लिश टर्म को समझने का कोशिश करिए, क्योंकि आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करेंगे तो इंग्लिश टर्म्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और सेलेक्ट होने के बाद पढ़ाई करेंगे तो ज़रूरी क्या हो, तो कंपलसरी है फिर, चाहे आप IIT JEE में जाएँ, चाहे आप मेडिकल टेस्ट में दे के मेडिकल फील्ड में आए, विदाउट इंग्लिश आपका काम नहीं चलेगा। वो तो अच्छी बात है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इस तरह से मैं कंबाइंड कॉमन लैंग्वेज पर पढ़ा रहा हूँ, ये रेयर, आपको रेयर ऑफ द रेयर, आपको रेयर मिलेगा किसी भी वीडियो में, किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको रेयर मिलेगा कि एक टीचर कंप्लीट बाइलिंगुअल आपको पढ़ा रहा हो। और इसमें मेरा पूरा मकसद क्या है, आप इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन टाइप करना है। सबसे मेरा जो मेन पर्पज़ ये है कि मैं उस डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहता हूँ जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में जो डिस्टेंस होता है एक प्लेटफॉर्म पर। नहीं तो मैं मालूम है, मैं बहुत से क्लास लेता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा नहीं। देखो NCERT ने 2 बुक लिखा है हिंदी इंग्लिश के लिए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आप एक साथ पढ़िए, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश बेहद ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। कि हिंदी को मैं इतना प्रमोट कर रहा हूँ पैरेलल टू इंग्लिश। तो आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, यहाँ पर हम आवर्धन क्षमता का फार्मूला लिखें। फार्मूला तो भाई आप रट लो, फार्मूला हर स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, मुझे याद ना हो तो चलेगा, मुझे एग्जाम नहीं देना है, ठीक है, एक बार मुझे याद ना हो तो चलेगा, लेकिन स्टूडेंट को टीचर से ज़्यादा फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला है इसका, एम इक्वल टू माइनस वी नॉट यू नॉट अपॉन वी नॉट, ना माइनस, जब वो लिस्ट डिस्टेंस पर बने, लिस्ट डिस्टेंस पर बने वो वाला फार्मूला अपने को लगाना है, इन्फिनिटी वाला नहीं। तो लिस्ट डिस्टेंस के लिए क्या होता है, वी यू नॉट, सॉरी यू नॉट अपॉन वी नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन
एफ ई, क्या फार्मूला था, एक बार फार्मूला तो मैं टेली कर लूँ, वी नाट अपान यू नाट, वन प्लस डी अपान एफ ई, वी नाट अपान यू नाट, न्यू नाट ना, पहले सही लिख रहा था मैं, माइनस नहीं होता, फार्मूला देख लेना आप लोग अच्छे से, वी नाट अपान यू नाट, माइनस आएगा कब, जब इन्फिनिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये लीस्ट डिस्टेंस के लिए फार्मूला है। अब वैल्यू पुट अप कर दो इसका, सबको वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, चलिए वैल्यू पुट अप करिए जो सब निकला हुआ रखा है यहाँ पर, फिर कैलकुलेशन कर दीजिए, वी नाट, वी नाट कहाँ है 10 सेंटीमीटर, 10 अपान यू नाट, ये माइनस 2.5, तो यहाँ पर एक्चुअल में विथ साइन पुट फार्मूला में माइनस होता है, तो माइनस माइनस कहा जाएगा प्लस, अब उसको मैं प्लस लिख रहा हूँ 2.5, फार्मूला में माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, या फार्मूला में माइनस नहीं लिखेंगे, देखो दो बार चिन्ह परिपाटी आप लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, यदि आपके क्वेश्चन में माइनस आया हुआ है तो उसको माइनस रहने दो, फार्मूला में प्लस लिखो, ठीक है, तो यह हो जाएगा 10 अपॉन 2.5 और 1 प्लस, डबल डबल आप यूज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो डी का वैल्यू क्या है अपने पास, डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 25, तो 25 हो जाएगा, और अपॉन एफ ई, एफ ई का वैल्यू हमने नहीं, एफ ई क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.25, 6.25 दैट इक्वल, इसको सॉल्व करें 10 अपॉन 2.5, कैलकुलेशन तो मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, बाकी आप लोग को अपने से करना है, फोर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा, ये पूरा सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है ना, 20 मैग्नीफाइंग पावर 20, एम का वैल्यू ये होगा पहला आंसर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी आधा पार्ट हुआ, ये है आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा था यू यू ओ, यू ओ भी निकाल लिया, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये भी एक आंसर है, वस्तु को कितना दूर रखना चाहिए बोला था ना, देखो ऑटोमेटिकली माइनस आ गया वो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने वस्तु रखा होता है निगेटिव में आता है, मतलब एक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था याद होगा कि जो गिवन वैल्यू है उसको आप विथ साइन कन्वेंशन पुट अप करो, और जिस वैल्यू को आपको फाइंड करना है, जो ज्ञात करना है, उसमें चिन्ह परिपाटी मत लगाओ, वो अपना चिन्ह खुद लेके आ जाएगा, वो अपना चिन्ह लेके खुद आ जाएगा, ठीक, इसीलिए उसको इस तरह से पुट अप किया गया, तो ये पहला पार्ट हुआ फार लीस्ट डिस्टेंस, अब हम देख इसका दूसरा, दूसरा पार्ट मैं कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पेज में, क्लियर, ये इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट, एट इन्फिनिटी अनंत पर, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, उसके लिए कंडीशन अप्लाई करना है, तो अनंत पर बने का सेम कैलकुलेशन अपन करेंगे जिस तरह से हमने किया है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन हमको नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से निकल गया, तो इन्फिनिटी के लिए जो कंडीशन दिया है, इन्फिनिटी में कब बनता है इमेज, आप ध्यान रखना, अभी आपको फंडामेंटल बता रहा था, जब वस्तु, देखो इस तरह से अपन न्यूमेरिकल कराते हैं तो हमको एक डाउट हमेशा बना रहता है कि स्टूडेंट उस पोजिशन को अप्रोच कर पा रहा है कि नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप थ्योरी का प्रिपरेशन सबसे पहले करिए, आपको याद होगा कि नेत्रिका लेंस के सामने जब वस्तु होता है तो वस्तु जब इसके सामने फोकस में आ जाए तो फिर अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत में बनेगा, तो उस कंडीशन में यू ई जो होता है वह क्या बन जाता है, यू ई बन जाता है, एफ ई बन जाता है, ठीक है, यू ई एफ ई बन जाता है तभी अनंत पर बनता है, तो यू ई हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वी ई इन्फिनिटी हो जाएगा इस कंडीशन में, यहाँ पर कौन क्या हो जाएगा मैं थोड़ा सा नीचे लिख भी देता हूँ, इस कंडीशन में वी ई क्या हो जाएगा इन्फिनिटी ये, और यू ई बराबर हो जाएगा किसके, एफ ई के, जो कि हमको पता है क्वेश्चन में हमको दिया है यू एफ ई के बाद 6.25, तो 6.25 के बराबर हो जाएगा, ये अनंत पर बनने का कंडीशन है,
कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु फोकस पर होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया है 6.25। तो UE का वैल्यू हमको यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पता चल गया, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने UE का वैल्यू को कैलकुलेट किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था, मतलब लिस्ट डिस्टेंस पर बन रहा था। आगे हमको क्या करना है इसमें, यहाँ से VO निकाल सकते हैं अपन। अब चूंकि L इक्वल टू अपने को पता है क्या, V0 प्लस UE, L पीछे अपन पढ़े हैं, इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर। दैट इंप्लाइज यहाँ से देखो कितना आसानी से हम V0 का वैल्यू निकाल सकते हैं। V0 इक्वल टू, इसीलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है उसमें, दोनों के बीच डिस्टेंस को देने का मतलब यही है, ये हो जाएगा 15 माइनस UE, और देयरफॉर V0 इक्वल टू 15 माइनस, इसका वैल्यू हमको पता है यहाँ से 6.25, तो 6.25, ठीक है, दैट इक्वल 15 में 6.25 माइनस कर दें तो 8.75 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। ये निकाल लिया हमने V0 का वैल्यू। अब V0 का वैल्यू निकालने के बाद हमको मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूला में V0 चाहिए, U0 चाहिए, तो अभी U0 नहीं पता है अपने को। देखो V0 तो पता चल गया, इनको मैं हाईलाइट कर दूं तो ताकि ध्यान में रखे, ये V0 पता चल गया अपने को, और क्या क्या चाहिए उसके फार्मूला में, U0 चाहिए, D तो पता है अपने को, वो इन्फिनिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, और F ही पता है, तो अपने को चाहिए U0। तो U0 के लिए हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। सिंस 1/V0 चाहिए ना, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1/F0 = 1/V0 - 1/U0, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्मूला को यूज करना है। V0 तो अपने को पता चल गया है, अपने को चाहिए U0, तो इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, U0 उसको इधर ट्रांसफर कर दो, प्रीवियस कैलकुलेशन जैसे ही है, ये 1/U0 = 1/V0 - इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 1/F0 1/U0 = 1/ ये V0 हमने निकाल के रखा 8.75, तो ये हो जाएगा 8.75 - 1/F0। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको बताया था, गिवन में मैं यहाँ पर लिख दूँ कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1/F02 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, दैट इंप्लाइज 1/U0 = LCM कितना आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा, दैट मीन 17.5 आएगा, 17.5 में 8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आएगा, और माइनस इसको करेंगे तो 8.75 आएगा, दैट इंप्लाइज 1/U0 = यहाँ से कितना हो जाएगा, 6.75/17.5, दैट इंप्लाइज, डिवाइड करो भाई इसको, ये सब आप लोग कैलकुलेटर से कर रहा हूँ मैं, 17.5 6.25 2.59 -2.59, देयरफॉर U0 = -2.59। ये U0 का वैल्यू निकल गया। U0 का वैल्यू निकालने के बाद हमको V0 चाहिए और U0 चाहिए, और इसके बाद हम सीधा निकाल सकते हैं इसका क्या, आवर्धन क्षमता। दोनों क्वेश्चन में आवर्धन क्षमता अपने को पूछा है। देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर M = अब देखो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उसके लिए फार्मूला होता है -V0/U0 - V0/U0 × D/FE -V0/U0 × D/UE, ये फार्मूला होता है, ठीक है, D/UE जब क्या हो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने उस कंडीशन में, सॉरी यहाँ पर FUE नहीं होगा, यहाँ पर FE होगा, क्योंकि देखो UE FE के बराबर लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम सो करते हैं वही जो है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो फार्मूला में तो हमको वही लिखना चाहिए,
डी अपान क्या होगा एफ ई, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है आवर्धन क्षमता के लिए। दोनों जगह आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ पर इसमें वैल्यू को हम पुट अप कर देते हैं, वैल्यू पुट अप करने के बाद ये सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा दैट इक्वल माइनस वी नॉट 8.75 अपॉन यू नॉट, ये हमने निकाला माइनस 2.59, तो प्लस हो जाएगा 2.59 इंटू डी, लिस्ट डिस्टेंस दिया है 25, लिस्ट डिस्टेंस 25 हाई है, और एफ ई, एफ ई 6.25, ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 8.75 डिवाइडेड बाई 2.59 इंटू 25 अपॉन 6.25, ये आएगा 13.5, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर फॉर सेकंड कंडीशन, ये इस तरह से क्लियर। तो ये इसका बी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकाला, फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और सेकंड पार्ट में हमने निकाला जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको ये मास्टर क्वेश्चन है समझ लो, भले आपको इसको प्रिपरेशन करने में टाइम लगेगा लेकिन इस क्वेश्चन के हेल्प से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, दोनों क्वेश्चन से आप पूरा तैयार हो जाएंगे। ओके चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए, ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सामान्य निकट बिंदु का मतलब ये आप समझ गए डी है ये, कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदृश्यक 8 mm फोकस दूरी तथा 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है नेत्रिका का उपयोग करके अभिदृश्यक से 9 mm दूरी पर रखे बिंब को, यू का वैल्यू दिया हुआ है, स्पष्ट फोकसित कर लेता है दोनों लेंसों के बीच पृथकतन दूरी क्या है, मैं दोनों लेंसों के बीच की दूरी पूछ रहा है L जो मैंने अभी आपको बताया, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी ये भी पूछने के, लेकिन एक कंडीशन में पूछा है ठीक है। ए पर्सन विथ ए नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm एंड आई पीस ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। ओके मैग्नीफाइंग पावर निकालना है आपको। अब सबसे पहले लिख लें गिवन, अपन पहला काम हमारा यही होता है गिवन और फाइंड, इसके बिना काम शुरू नहीं होता। 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु मतलब d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 8 mm, 8 mm का फोकल लेंथ है किसका, अभिदृश्यक का, मतलब एफ ओ इक्वल टू 8 mm, दैट इक्वल सेंटीमीटर में चेंज करें तो हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है नेत्रिका का, आई पीस लेंस का, एफ ई इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके ये है, अब इसमें हमको निकालना है इसका, एफ ओ दे दिया, एफ ई दे दिया, और क्या दिया है, अच्छा 9 mm पर क्या है ऑब्जेक्ट है, तो यू नॉट, U नॉट भी दे दिया, U नॉट निगेटिव होता है तो साइन सहित पुट करो, माइनस 9 mm दैट मीन्स माइनस 0.9 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में बनाना है अपने को, ये क्लियर। तो गिवन क्लियर है आपका। अब हमको पूछा है दोनों लेंसों के बीच की दूरी फाइंड करना है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, और अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि इनके बीच की दूरी क्या होता है वी नॉट प्लस यू ई, वी नॉट प्लस यू ई। तो देखो कैसे पता चलता है क्वेश्चन कैसे बनाना है ना, अब तो अपने को क्वेश्चन में वी नॉट पता है ना यू ई पता है, तो कैसे निकलेगा, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से क्या निकल जाएगा,
ये निकल जाएगा। दोनों क्वेश्चन को आप करोगे 11 12 को सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां आपको याद है कि हम बार बार क्या निकाल रहे थे, यू नाट निकाल रहे थे, यहां पर वी नाट निकालना है। यदि आप वी नाट निकाल लिए तो वी नाट निकाल लिए तो उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, यू ई निकालना पड़ेगा। तो यू ई कैसे निकालना पड़ेगा, यहां पर एफ ई पता है, उसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, यू ई निकाल सकते हैं। तो दोनों को फिर सम कर देंगे। चलो तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, वी नाट। ओके, चूंकि 1/f0=1/v0-1/u0, क्या निकालना है, वी नाट। वी नाट निकालना है, इसको इधर रखो, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो 1/v0=1/f0, इसको इधर ट्रांसफर करें, +1/u0, दैट इम्प्लाइज 1/v0=1/fo0। एफ ओ का वैल्यू कितना, 0.8 सेंटीमीटर, 1/0.8 सेंटीमीटर प्लस यू नाट का वैल्यू दिया है -0.9, माइनस ये, दैट इम्प्लाइज 1/v0=1/0.8-1/0.9। अब ये साल्व कर लें एलसीएम लेके, नौ अठे 0.72 आएगा इसका, 0.72 एलसीएम आएगा, 1/v0=0.72, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो 9 टाइम्स में 0.9-0.8, दैट इम्प्लाइज 1/v0=, ये हो जाएगा 0.1/0.72, देयरफॉर v0=, सीधा 7.2 सेंटीमीटर। इसमें 1 प्लस में डेसिमल है, 2 प्लस में डेसिमल है, तो v0=, जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ये निकाल लिया हमने 7.2 सेंटीमीटर। अगेन हम फार्मूला यूज कर देते हैं, किसके लिए, इसको नेत्रिका लेंस के लिए, तो 1/FE=1/VE-1/UE, दैट इम्प्लाइज यहां से हमको वैल्यू निकालना है किसका, VE, FE तो दिया है, क्वेश्चन में वी दिया है -25 सेंटीमीटर, वी दिया है ना, लीस्ट डिस्टेंस जो होता है वह वी ई भी होता है, और निगेटिव में होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, शुरुआत में वी नाट को छोड़ के सब निगेटिव में होते हैं। चलिए इस वैल्यू को अपन पुट अप करते हैं फिर, तो ये गिवन है, इसको इधर ट्रांसफर करो, 1/UE=1/VE-1/FE, दैट इम्प्लाइज 1/UE=1/VE-1/25, और ये FE का वैल्यू गिवन है, FE 25 सेंटीमीटर, 1/25, दैट इम्प्लाइज 1/UE=-1/20, 1/25, एक वैल्यू गलत पुट कर रहा हूँ क्या, 2.5 होगा, 25 सेंटीमीटर 1/UE, एफ ई तो 25 सेंटीमीटर, VE, FE
सॉरी हाँ ये मैं देख रहा था, एफ ही तो 2.5 सेंटीमीटर है, एफ ही क्या है 2.5 सेंटीमीटर, ये क्लियर। इसका एलसीएम ले लें अब तो 25 और 2.5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ठीक है। 25 डिवाइड होकर -1, 2.5 तो -10 आएगा। दैट इम्प्लाइज 1/UE = -11/25, therefore U equal -25/11, that equal, इसको डिवाइड कर दे 25/11 तो कितना आ जाएगा देखो, 25/11 -2.27 सेंटीमीटर। ये सब डिवीजन आप लोग मैनुअली करना, मेरे जैसे नहीं करना कैलकुलेटर से। तो 2.27 सेंटीमीटर इसका यू ई निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है दोनों लेंसों के बीच पृथक्करण, एल का वैल्यू पूछा है, लेंथ ऑफ पाइप, मतलब पाइप का लेंथ, तो क्या हो जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट आंसर यहां पर मैं लिख दूं, फर्स्ट आंसर एल इक्वल होता है क्या, वी नॉट प्लस यू ई, दैट इक्वल, वी नॉट का वैल्यू निकाल लिया हमने 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 प्लस यू ई भी निकाला, ये 2.27, चिन्ह नहीं भरेंगे ना, ये मार्ट में होता है, तो 2.27 दैट इक्वल 7.2 प्लस 2.27 9.47। हम लोग का छोटा छोटा कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर से करने का आदत हो गया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते नहीं, ये है ना 7 + 2 = 9, ये हो गया तो आंसर नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीफाइंग पावर पूछा है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन में अपन निकालेंगे इसका मैग्नीफाइंग पावर। पावर लिख लेना इसको, आवर्धन क्षमता, एम इक्वल टू किस डिस्टेंस पर है, फार्मूला इसका ये है अनंत पर, अनंत पर बनता है बोला है ना क्वेश्चन में, स्पर्श दृष्टि न्यूनतम दूरी पर, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट वाला फार्मूला लगेगा, एम इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट अंडर ब्रैकेट 1 + D/FE, ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, दैट इक्वल वी नॉट कहाँ गया भाई, 7.2 यू नॉट निकाला है पहले, गिवन है शायद यू नॉट, तो ना यू नॉट दिया है -0.9, तो ये चिन्ह सही 0.9 हो जाएगा, ये माइनस होता है माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में आएगा नहीं, मैग्नीफाइंग पावर 1 + D है 25 और FE गिवन है 2.5 दैट इक्वल 7.2/0.9 7.58 आता है, ए आएगा 8, 1 + ए तो डिवाइड करने से 10 आता है, 10 + 1 = 11, 88 m का वैल्यू। दिस इज आंसर नंबर सेकंड, ये है आंसर नंबर फर्स्ट। तो दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा है, एक तो लेंथ ऑफ पाइप पूछा है कि पाइप का लेंथ कितना होगा, तो 9.47 सेंटीमीटर का पाइप होगा, और 88 क्या होगा उसका आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर होगा। ओके तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन का ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, रीडिंग करो, उसके बाद फिर क्या है जो गिवन दिया है वो गिवन को लिखो, गिवन के बाद फिर आप जिस तरह से आपको फार्मूला यूज करना है वो आपको करना है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9.13, क्वेश्चन नंबर 9.13 स्टेटमेंट पढ़ो, आप ध्यान से देखो, किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर, किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, अभिदृश्य तथा नेत्रिका के बीच पृथक्करण दूरी क्या है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। यह तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया 9.13 गिवन, किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी एफ
नॉट 144 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एम आपको पूछ रहा है, एल आपको पूछ रहे हैं। टेलीस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप नहीं है, टेलीस्कोप है, ध्यान रखना। टेलीस्कोप, ये स्मॉल टेलीस्कोप हैड एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड आईपीस लेंस 6 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें जब वो टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप की बात अलग होती है। टेलीस्कोप में जो फार्मूला होता है एम का, एम ही निकाल लेते हैं पहले, तो एम इक्वल टू डायरेक्ट फोकल लेंथ के बेस पर निकलता है माइनस एफ नॉट अपन एफ ई। ये सीधा फार्मूला होता है किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। टेलीस्कोप के क्वेश्चन आसान होते हैं, तो एफ ओ का वैल्यू दिया है 144 माइनस 144 अपन एफ ई का वैल्यू दिया है 6, डिवाइड कर दो 144 डिवाइडेड बाई 6, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 24 में, ये हो जाएगा -24। ये पहला आंसर हो गया, ये पूछा है। अब लेंथ ऑफ पाइप पूछा है सेकंड नंबर में, तो लेंथ ऑफ पाइप इसमें क्या होता है, पहले का एफ एफ ओ में होगा और उधर किधर होगा एफ ई में, तो दोनों को ऐड कर दो बस, दोनों दिया हुआ है 144 प्लस 6 150 सेंटीमीटर। ये तो ओरल है क्योंकि एफ ओ प्लस एफ ई इसका लेंथ ऑफ पाइप, एफ ओ मतलब पहले का फोकस प्लस दूसरे का फोकस, दोनों के बीच का लेंथ ऑफ पाइप होता है। चैप्टर को जैसे किसी को भी ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा सजेशन, आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए। ओके, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 15 मीटर है, ये टेलीस्कोप है, दूरबीन 15 मीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की गई है तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है, ठीक है। यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। चंद्रमा का व्यास 3.48 × 10⁶ मीटर तथा चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या, इसका रेडियस दिया हुआ है ये। ये जाइंट रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। इफ एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज यूज, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, द डायमीटर ऑफ द मून इज दिस। चलो देखो, यहाँ पर टेलीस्कोप की बात है और क्या क्या गिवन है आप देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है अभिदृश्यक की फोकस दूरी एफ नॉट 15 मीटर में दिया है, ध्यान रखना। नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.01 मीटर। चंद्रमा का व्यास डायमीटर ऑफ द मून 3.48 × 10⁶ मीटर तथा उसका रेडियस तथा चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या जिस ऑर्बिट पर वो घूम रहा है, ठीक है, वो दिया हुआ है 3.8 × 10⁸ मीटर, ये गिवन है। सबसे पहले पूछा है हमको
मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्या है? तो आवर्धन तो सीधा इसी फार्मूला से निकल जाएगा, m इक्वल टू एफ नॉट अपन एफ ई, और टेलीस्कोप है टेरेस्ट्रियल। चलो देखो इसके लिए फार्मूला होता है, पहला m इक्वल टू एफ नॉट अपन एफ ओ, एफ नॉट का वैल्यू कितना दिया है 15, और अपान ये हो गया 0.01, ठीक मीटर, तो डिवाइड होगा तो 2 प्लस 100 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1500। ये पहला आंसर है, ये 1500 हो गया 1500। सेकंड में बोला है अभिदर्शक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है? प्रतिबिंब का व्यास ये निकालना है, जो इमेज बनता है, जो इमेज ध्यान रखना थोड़ा सा, जो इमेज बनता है उसका डायमीटर पूछ रहा है। मतलब इस तरह का सिचुएशन है, ये मून है, इसके बाद इसका इमेज बना तो क्रॉस इस तरह से बनता है इसका इमेज, ये डायमीटर। मतलब यदि ऑब्जेक्ट का लेंथ है, ये व्यास यदि ऑब्जेक्ट का लेंथ है इसका, तो ये व्यास क्या होगा, इसका इमेज का लेंथ होगा। तो यहाँ पर जो डायमीटर है एक्चुअल में उसका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, और वो क्या है, लेंथ ऑफ इमेज है, ठीक है। तो इस ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, नेक्स्ट पेज में कैलकुलेट करते हैं। चूंकि इसके लिए जो फार्मूला है आपको याद नहीं होगा, तो यहाँ पर फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना। इसका एंगल बाय इमेज, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, प्रतिबिंब का कोण, हिंदी मीडियम में चाहो तो लिख लेना प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, यह निकलेगा उसके डायमीटर से, आर का पार रेडियस से, और डायमीटर में डिवाइड करेंगे हम उसके एफ ओ का। ये फार्मूला आप ध्यान रखना, ये टेलीस्कोप द्वारा किसी भी प्रतिबिंब द्वारा बना कोण का फार्मूला होता है, दैट इक्वल डायमीटर। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इसका डायमीटर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर हम डी अपन 15, ये बना कोण को बस निकाल लेते हैं, सपोज इसको हमने थीटा कह दिया, तो डी अपन एफ नॉट दिया हुआ है, एफ नॉट कितना दिया है क्वेश्चन में 15 मीटर दिया है। ये आप रिलेशन निकाल कर रखो, पहला ये हो जाएगा प्रतिबिंब द्वारा बना कोण। इसके बाद हम देखें वस्तु का व्यास, कक्षा की त्रिज्या सब दिया है, चंद्रमा के व्यास द्वारा निर्मित कोण, सेकंड चंद्रमा के व्यास द्वारा बना कोण, यह थोड़ा क्वेश्चन रेयर टाइप का है, इसके फार्मूले को याद कर लेना, ठीक है। यह भी थीटा होगा, ये तो हो गया वस्तु, वस्तु मतलब चंद्रमा ही वस्तु है, और यदि उसके व्यास द्वारा बना दर्शन कोण, डायमीटर द्वारा बना दर्शन कोण हम निकालें, तो उसके लिए फार्मूला होता है चंद्रमा का व्यास बटे उसकी त्रिज्या, मतलब डायमीटर ऑफ द मून और अपान उसका रेडियस, क्लियर। तो डायमीटर ऑफ द मून आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.48 × 10⁶, 3.48 × 10⁶, और उसका रेडियस भी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 3.8 × 10⁸, ये दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर हम क्या किए, एंगल बाय इमेज, ये जो कोण बना है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये इमेज प्रतिबिंब द्वारा बना कोण है, वो क्या होगा, दोनों समान कोण बनाएंगे, आमने सामने समान कोण बनाएंगे, अभी जैसे मैंने फिगर बनाया था ना इस तरह से, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये इमेज का कोण होगा, ये ऑब्जेक्ट का कोण होगा, लेकिन सम्मुख कोण है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, ये निकाल लिया, ये सपोज मैंने इसको थीटा वन कहा है। अब बनाएंगे चंद्रमा द्वारा, चंद्रमा जो कि क्या है, वस्तु का काम कर रहे हैं यहाँ पर, उसके व्यास द्वारा बना दर्शन कोण, तो वो क्या होगा, इससे निकलेगा। अब दोनों को फिर बराबर कर देंगे अपन, इसको सॉल्व कर लें, पहले सिंप्लीफाई कर लें, दैट इक्वल सॉल्व करें, तो सॉल्व करने से इसका वैल्यू आएगा
3.48 into 10 to the power 6 upon 3.8 into 10 to the power 8. साल बाद में कर लेंगे, पहले दोनों को इक्वल कर लेते हैं। चलो ये लेसन नंबर सेकेंड, अभी फिगर बनाया था उसे आपको समझ में आ गया। ये बना रहा है प्रतिबिंब, ये बना रहा है वस्तु, और सम्मुख कोण होने के कारण, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम मिला दें तो हो जाएगा डी अपॉन 15 इक्वल 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8। देयरफॉर डी का वैल्यू हमको चाहिए, तो डी इक्वल टू 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इंटू 15 ये होगा। देयरफॉर डी इक्वल, अब इसको हम एक साथ सॉल्व करके वैल्यू इसका फाइंड कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो तो न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 3.48, ये डेसिमल है ना, देखो यहाँ थोड़ा सा घटी घसीट के लिख दिया, ध्यान रखना 3.48 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.8 डिवाइड कर दें 13.73 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये मीटर में है, जिसको हम 13.73 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक बार हम थीटा 1 निकालेंगे, फिर थीटा 2 निकालेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। मैंने इस तरह का सिचुएशन है इसमें, ये फिगर आपको ध्यान में रखना, ऐसा रख सकते हो, ये ऐसा सिचुएशन है, ये कोण हमने निकाला एक बार थीटा 1, ये कोण निकाला थीटा 2, दोनों सामने आमने सामने बन, एक इसमें से ऑब्जेक्ट है, ये सपेस ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज है चंद्रमा का, क्लियर। इसकी सहायता से निकलेगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से निकला है, ये कोण बराबर चाप, ये डायमीटर जो है चाप का काम करेगा, और रेडियस ये चाप है, ठीक है, कहीं आपको भूलने का डर हो तो ध्यान रखना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9.16 रीड करिए क्वेश्चन को। 9.15 पूरा थ्योरेटिकल है, उसको करने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत सारे एंगल ऐसे हैं। 16 किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन को फिफ्टी सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन व गुटके के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र की कितनी दूर दिखाई देगा। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। क्या उत्तर गुटके की अवस्थिति पर निर्भर करता है। ए स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन ए टेबल, एक पिन को टेबल फिक्स किया गया है, टॉप इज व्यूड फ्रॉम द एबव फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड बी द पिन अपीयर टू बी राइज्ड इफ इट इज व्यूड फ्रॉम द सेम पॉइंट थ्रू ए 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब हेल्ड पैरेलल टू स्लैब। एक पिन रखा है, पिन के ऊपर ग्लास रख दिए, ग्लास स्लैब ऊपर से देखें तो कितना ऊपर उठा दिखाई देता है, ये आपको बताना है। मतलब ये आभासी गहराई और वास्तविक गहराई पर बेस्ड क्वेश्चन है, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है देखो, कांच की मोटाई 15 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ ग्लास टी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है, क्या जरूरत है उसका, कांच का अपवर्तनांक दिया है एमयूजी, एमयूजी इक्वल टू 1.5। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के फार्मूला से, और एक डायरेक्ट फार्मूला है। मैं अपने वीडियो में शायद वो फार्मूला बताया होगा आपको, नहीं बताया होगा तो ट्रिकी फार्मूला आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये इस तरह से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, देखो
चूंकि अपने को पता है ए म्यू जी इक्वल चूंकि एम यू जी इक्वल टू आभासी बटे वास्तविक विरल वास्तविक एच अपान एच डेस होता है, एम यू जी इक्वल एच अपान एच डेस होता है, और हमको यहाँ पर निकालना है उसकी आभासी गहराई, तो एच डेस निकालेंगे अपन, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो एच डेस इक्वल टू हो जाएगा एच अपान एम यू जी दैट इक्वल, एच का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है पट्टी का भी मोटाई 50 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है, देखें चाहे कितनी भी ऊंचाई से। ये जो डेटा है ना ये कंफ्यूज, उसको बार बार यही मैं पढ़ रहा हूँ, ये डेटा यूजलेस है, चाहे उसको जितने ऊपर से देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल यह है कि 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच की गुटके है, तो 15 सेंटीमीटर ही उसका वास्तविक गहराई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच का वैल्यू हो जाएगा 15 और एम यू जी का वैल्यू दिया है 1.5, तो 15 1.5 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, 10 सेंटीमीटर कितना आंसर दिया है। अच्छा वास्तविक गहराई पूछा है, ये तो हो गया पिन की आभासी गहराई, अब हमको वास्तविक गहराई पूछा है, ये तो उसका थिकनेस हो गया, तो वास्तविक गहराई निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा एच माइनस पिन की बढ़ी हुई गहराई। क्वेश्चन में पूछा क्या है कांच का पोर्टल बीच रखी बिंदु से देखने पर पिन कितनी दूरी पर दिखाई देता है, गुटके के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूरी पर दिखाई देगा। अच्छा कंडीशन ऐसा है, एक बार छोटा सा चित्र बना के आपको समझा रहा हूँ, देखो ऐसा तो मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है बात, ये ऐसा है यहाँ पिन रखा है और यहाँ पर वो दिख रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस हमको पूछ रहा है कितनी ऊंचाई गहराई पर दिखेगा, तो ये इसका वास्तविक गहराई होता है, ये इसका वास्तविक होता है, ये इसका आभासी होता है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस मतलब कितना हो जाता है एच माइनस एच डेस, एच माइनस एच डेस। अब हमारे पास एच भी है और एच डेस भी है, तो यहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं ना, एच 15 है एच डेस 5 है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार रिपीट करता हूँ ध्यान से सुनना, किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से, ऐसे छोड़ो देखा जाता है 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के गुटके, मतलब ये पूरा कितना हो गया ये गुटका हो गया 15 सेंटीमीटर का हो गया, ये इतना मोटा कांच का गुटका है ठीक, तो देयर फॉर सीधा क्या निकल जाएगा गुटके के बीच रखकर उसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूर दिखाई देगा, ये पिन नेत्र से कितना दूर दिखाई देगा, ये हमारा नेत्र है यहाँ से कितनी दूर दिखाई देगा, तो इसलिए दूरी, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर तो कांच का मोटाई है और 5 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर हमको दूर दिखाई देगा, क्लियर 10 सेंटीमीटर इसका है 15 माइनस 10 आया ना, मैं ये वैल्यू पुट कर डाला था, ये 10 वैल्यू पुट होगा तो 5 सेंटीमीटर ये होगा। वैसे इसका डायरेक्ट फार्मूला है, ये बकवास है, एक डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उस फार्मूला की हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऐसा बना लेंगे। देखो मैं पहले आपको उसका फार्मूला लिखा दूँ, ये ट्रिकी फार्मूला है, इसको ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा उसके लिए फार्मूला है D=T(1-1)μ, D=T(1-1)μ, ये फार्मूला है, ये डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है उसका रियल मतलब एक्चुअल में डी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ डी का मतलब है एच माइनस एच डेस, मतलब उसकी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का क्या है डिफरेंस है। ये फार्मूला यदि आपको याद हो, इस फार्मूला के हेल्प से आप डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन का एक लाइन में सॉल्यूशन दे सकते हैं, ये भी याद कर लेना। तो डी इक्वल टू टी मतलब थिकनेस हुआ 15, सीधा वैल्यू पुट कर दो 1-1/1.5, ये बस इसको सॉल्व कर लिए तो ये हो गया 15 × 1.5 में ये 1 माइनस होगा तो 0.5 और अपान 1.5 ये हो जाएगा दैट इक्वल 1.5, ये मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा तो 10 होगा 10 0.5 ठीक है और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखो 10 में 0.5 को मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर एक लाइन में आंसर आएगा, कुछ नहीं इसमें क्लियर, तो ये बना सकते हैं, इसका सेकंड मेथड है।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसके लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? बंद कर दो बेटा तुम। किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है, इसके लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन बहुत अच्छे सिचुएशन पर है। ये क्या बोल रहा है देखो, ये मान लो यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ, एक कमरा है, सेलेक्ट हो गया, एक मिनट, ये कमरे का दीवार है और यहाँ पर मान लो एक बल्ब है, इमेजिन करो एक बल्ब है। अब इसका यहाँ इमेज बनना है और बीच में एक लेंस लगा दिए अपन, इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है, बीच में लेंस लगा हुआ है। तो किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस 3 मीटर पर दूरी सामने पर बनता है दूरी, तो ये बल्ब से इसके बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर है, ये 3 मीटर का टोटल डिस्टेंस है। इसके लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? तो सपोज हम सबसे पहले वस्तु को दूरी निकालेंगे, तो यहाँ से इसका जो वस्तु का दूरी है लेंस से, ये वस्तु है, ये यू है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? 3 माइनस यू हो जाएगा। ये बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। यू डिस्टेंस में वस्तु को मान लिया, तो लेंस से उस पर्दे का या दीवार के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 3 माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसमें गिवन का कुछ मतलब ही नहीं है, सीधा हम सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो चूंकि सीधा फार्मूला लगाएं, 1/f = 1/v - 1/u, दैट इम्प्लाइज 1/f = 1/v, तो v तो कितना है? 3 - u, ये हो जाएगा, और माइनस u क्या होगा इधर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/u हो जाएगा। इसको तो हमने u ही माना है, यहाँ से सामने को u कंसीडर कर लें, ठीक है, इसके हेल्प से यू के फॉर्म में, चलो इसको सॉल्व करो, दैट इम्प्लाइज 1/f = एलसीएम आ जाएगा 3 - u × u, तो यहाँ पर ये हो जाएगा u प्लस 3 - u, यू यू कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ इसको मैं। 1/f = क्या आया है, ये u u कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3/3 - u × u, 3/3 - u × u, दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 3f = यहाँ मल्टीप्लाई करो 3u - u² इसको इधर ट्रांसफर कर दें, दैट इम्प्लाइज u² - 3u और प्लस 3f = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया u के फॉर्म में, u के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ब्रेक तो होगा नहीं, फार्मूला से अपन सॉल्व करेंगे। तो ये आपको वर्ग समीकरण का फार्मूला पता होगा, x = होता है -b + √b² - 4ac/2a। इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करें, इस फार्मूला को यूज़ करने से क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल क्या है, u = -b, तो माइनस b का वैल्यू कितना है? -3, ये b का वैल्यू है, +√b² मान इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -4 a का वैल्यू 1 है (1) और c का वैल्यू है 3f, ये c का वैल्यू है 3f और / 2a, तो 2 ही रहेगा, दैट इक्वल टू ये हो गया +3 + √9 - 4 / 12, (12f/2). अब यहाँ पर देखो ये डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है कि इसके रियल वैल्यू के लिए विविक्त कर b² - 4ac के वैल्यू को ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, रियल वैल्यू होने के लिए। तो यहाँ पर इसका फोकल लेंथ, इसका डिस्टेंस u को रियल वैल्यू होने के लिए 9 - 12f को, उसकी फोकस दूरी को क्या रियल वैल्यू होना चाहिए, तो देयरफॉर 9 - 12f = 0, देयरफॉर इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो 9 > 12f, देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं 12f < 9, इसको उल्टा लिख दें तो ये f = 9/12,
f इज लेस देन आर इक्वल टू 9 में 12 को डिवाइड कर दें तो कितना आता है, 9 डिवाइडेड बाई 12, 0.75, मतलब उसके फोकल लेंथ को 0.75 से कम होना चाहिए, उसके जीवन 0.75 से उसके फोकल लेंथ को कम, उससे ज़्यादा हुआ तो उस दीवार पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्लियर? एफ इज लेस देन इक्वल टू 7.5, ओके, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि उसके लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होना चाहिए, तो लेस देन मतलब 0.75 के बराबर या उससे कम होना चाहिए, अदरवाइज दीवार पर उसका इमेज नहीं बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के हमारे क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, देखिए, किसी पर्दे को बीम से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे दूसरे 20 सेंटीमीटर स्थित में रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ये जो टॉपिक है ये अब सिलेबस में नहीं है, बहुत दिनों से किसी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, CBSE में भी नहीं है। इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा जाता था, होता तो बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन बहुत दिन से डिस्प्लेसमेंट मेथड मतलब विस्थापन विधि की सहायता से किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये एक टॉपिक होता था पहले, हम लोगों ने पहले बहुत पढ़ाया है और CBSE में भी था, इसीलिए बुक में इसका क्वेश्चन है, लेकिन रिसेंटली ये आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं मिलेगा, NCERT CBSE से भी बहुत दिन से सिलेबस से हट गया है, तो एक क्वेश्चन इसीलिए ओल्ड है दे दिया है। NCERT बुक में यही एक प्रॉब्लम है कि सिलेबस कई बार रिवाइज हो गया लेकिन कंटेंट्स वही हैं जो पहले बार बुक पब्लिश हो गया है, तो थोड़ा अलर्ट होकर पढ़ना पड़ता है। फिलहाल चलो, छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कभी आपको काम आ जाए, नॉलेज ही है या नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है फोकल लेंथ का, डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखा देता हूँ, एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला है, एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4x, ये फार्मूला होता है फोकल लेंथ निकालने का इस क्वेश्चन के लिए, जहाँ पर x क्या है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है, लेंस के दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है, और d क्या है, ऑब्जेक्ट और जो इमेज है उसके बीच का डिस्टेंस है। तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देता हूँ मैं क्वेश्चन से, आप देख लेना, f इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 90, तो 90 का स्क्वायर ये हो जाएगा 90 स्क्वायर माइनस d, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 20 का स्क्वायर अपॉन 4 × 90, इसको सॉल्व कर लें तो 1800 हो जाएगा, है ना, ये 81 9 81 और 400 अपॉन 36, ये इसको टोटल सॉल्व करके 7700/3600 21.4 सेंटीमीटर, 1। ठीक है, आप लोग को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा इसमें क्योंकि पढ़े नहीं हो, तो क्या है बता देता हूँ मैं आपको, लिख लिया था क्वेश्चन तो 21.4 सेंटीमीटर ये होगा फोकल लेंथ, इतना होना चाहिए लेंस का 21.4 सेंटीमीटर। वो इस तरह का सिचुएशन होता था, अब क्या बताएं आपको, ऐसा देखो, ये पहले कोर्स में था, बहुत दिनों तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो क्या होता है, इसका इमेज यहाँ पर बना हुआ है, लेंस यहाँ पर है, तो फिर लेंस का सेकंड पोजीशन बनता था कि इसका इमेज फिर यहीं पर बनता था, दो पोजीशन, तो यहाँ पर ध्यान रखना चूंकि क्वेश्चन को आप किए हो, तो ये वाला डिस्टेंस d होता था लेंस और पिन का, और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, x होता था, तो इसकी फोकस दूरी निकालने का ये फार्मूला है। किसी पर्दे को बीम से 90 सेंटीमीटर दूर रखने पर, ये पर्दा है, ये बीम है और वो पर्दा है, पर्दा बोलने से इमेज, तो ये हो गया d, तो क्वेश्चन में हमको d दिया हुआ है, कितना, यहाँ पर d दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, ये अब बोलता है दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दूर स्थिति में रखकर, ये x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लेना, फिलहाल तो आपके लिए यूजलेस क्वेश्चन
क्वेश्चन है ये, यदि सिलेबस में रहता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये हमारा यहाँ पर 20 क्वेश्चन आज के पार्ट में मैंने कंप्लीट किया, 20 तक, 3 पार्ट में बता रहा हूँ। इतने क्वेश्चन है ऑप्टिक्स में, 37 या 35 के आसपास है, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन थ्योरिटिकल टाइप के हैं, एक्सप्लेनेशन वाले, वो मैं नहीं करा रहा हूँ। और कुछ ऐसे एंगल वाले क्वेश्चन हैं जिसमें साइन कॉस टेन के बहुत उटपटांग एंगल आएंगे, जो आप करोगे क्या, मैं तो यहाँ पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से या साइन टेबल से बता दूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे उसको, ना एग्जाम में आना है उसको। तो इतना आप तैयार करिए, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो रे ऑप्टिक्स में जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसको अच्छे से तैयार करिए। ओके, थैंक यू।